सरकार को सजा देंगे, क्यों अंदर कैसे आ गए भाई? जो कानून कानून है भाई, क्या है पब्लिक में, हम तो पागल है। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ पाकिस्तान में घुसने देगा, मैं गोली मार दें यहाँ छाती पे, पता भी नहीं चलेगा। अब हमें हिंदुस्तान वाले कोई देखेगा नहीं मैं क्या कर रहा था। वो तो यूँ बोल रहे हाई भाई ये भी आतंकवादी अंदर घुस रहा हुआ, हम भी लाएंगे भगा के 10 बच्चों को, ठीक है? क्या रास्ता है ये बताओ, क्या चाहते हो? सीमा को नहीं रहने देना यहाँ भाई, रहने देना तो यहाँ क्यों रहेगी, वो अपने जाके पाकिस्तान में रहना भाई, वहाँ जगह कम पड़ गई है। पहली बात जो बता रही है क्या सच, भाभी किसकी भाभी? अरे देश की भाभी हो गई तो देश की ऐसे भाभी हो गई, अभी तो उसका क्या नाम डिवोर्स भी नहीं, भाभी पहला बना रहे हो। नहीं उसके लिए अपना मैं भी जा रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के आ जाऊँ उसके लिए, ठीक है? मैं शादी कर लूँ, करा दोगे? तो इसका दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में है, कनॉट प्लेस में आए हैं, कट टू कट बात करेंगे, सीधी बात करेंगे। और ये कि भाई जो सीमा हैदर हैं उनको यहाँ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या वो जासूस है, इस कहानी पे हम बात कर लेते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं, हमारे साथ हैं मिर्ज़ा, वहीं पार्क में ही हूँ। मिर्ज़ा भाई बताइए, आप बहुत नाराज़ हैं सीमा भाभी से, क्यों? भाभी किसकी भाभी? अरे देश की भाभी हो गई तो देश की ऐसे भाभी हो गई, अभी तो उसका क्या नाम डिवोर्स भी नहीं, भाभी पहला बना रहे हो। नहीं मतलब लोग कह रहे हैं ना कि सीमा भाभी हो गई, कहने से तो मैं बोलता हूँ मेरी बीवी, मैं भी प्यार करता हूँ, फिर मेरे को दिला देगा उसका प्यार? मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, पूछो मत यार, मैं भी उसके लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं उसकी बहन को भगा के लेके आऊंगा। मिर्ज़ा भाई वो 4 बच्चों को छोड़ के आई है, अपने पति को छोड़ के आई है, तो मैं यहीं रहूंगी, मैं उसके लिए अपना मैं भी जा रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के आ जाऊँ उसके लिए, ठीक है? मैं शादी कर लूँ, करा दोगे? तो इसका क्या रास्ता है ये बताओ, क्या चाहते हो? सीमा को नहीं रहने देना यहाँ भाई, रहने देना तो यहाँ क्यों रहेगी, वो अपने जाके पाकिस्तान में रहना भाई, वहाँ जगह कम पड़ गई है। पहली बात जो बता रही है क्या ना सचिन इसका नाम है ना, और शायद ये भाग के आई है, और वो भी क्या नाम है तार को नीचे समझ लो, ठीक है? वीजा तो था नहीं उसके पास, ठीक है? तो ये अंदर आ कैसे गई, कैसे आ गई अंदर? इलीगल तरीके से, इलीगल हमारा भारत, अगर मान लो वो आतंकवादी होता और ऐसे बम लेकर आता यहाँ पर डालता सीपी में, हम मर जाते, फिर किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? मतलब आपको ये लग रहा है भाई, सीमा जहाँ से आई है वहाँ अपनी चली जाए, बाबा नाम बता, चली जाएगी पहले अंदर, ये बताओ ना, जाने की तो बहुत ही, अब नहीं जाएगी, अब जाएगी सिर्फ जेल में, क्या करेगी, चक्की पीसेगी तिहार जेल में पाकिस्तान में। यानी कि आप ये अगर वहाँ से आतंकवादी आता है तो प्यार से उसको फिर वहाँ भेज दो, भेज दो, क्या कहते हो आतंकवादी, मत दो सजा, मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी आओ, मैं मेरी बात सुनो, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है? अगर मैं ही उसको आती मेरे पास तो मुझे आतंकवादी कहला के मेरे घर पे ना बम डलवा देते, तोड़वा देते, और मैं क्या होता, अभी यहाँ पे नहीं खड़ा था, मैं आज जेल में चक्की काटता, ठीक है? मिर्ज़ा के यहाँ कोई सीमा पाकिस्तान से चली आई, कहाँ कैसे आ गई, मैं तो वो हूँ क्या, आतंकवादी हूँ, मिर्ज़ा को देखे जाते, मिर्ज़ा यहाँ पे, मिर्ज़ा आतंकवादी, सीमा नहीं यहाँ पे। तो भाई मेरे बात कहने, अब शादी करवा रहे, मैंने सुना शादी हुई नहीं हुई, क्योंकि मैं इन फालतू लोगों को यार इतना गौर नहीं करता भाई। नहीं नहीं वो लोग कह रहे हैं कि हमने नेपाल में शादी कर ली थी, किसी कर ली थी, अभी ना मतलब क्या तलाक लिए, कैसे शादी हो जाएगी, है वहाँ से तलाक नहीं हुई तो इन्होंने कैसे कर ली, इलीगल तरीके से नेपाल, तो इलीगल तरीके से आई है, फिर इलीगल तरीके से शादी कर ली है, तो नेपाल में शादी करी नहीं करी, उसको कोई, भारत सरकार को क्या करना चाहिए बताओ, भारत सरकार को तो सजा देनी चाहिए भाई, पहले तो हम भारत सरकार को सजा देंगे, क्यों अंदर कैसे आ गए भाई? जो कानून कानून है भाई, क्या है, हम तो पब्लिक में, हम तो पागल है। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ पाकिस्तान में घुसने देगा, मैं गोली मार दें यहाँ छाती पे, पता भी नहीं चलेगा। अब हमें हिंदुस्तान वाले कोई देखेगा नहीं मैं क्या कर रहा था, वो तो यूँ बोल रहे हैं हाई भाई ये भी आतंकवादी था अंदर घुस रहा हुआ। शंकर भाई बताइए, पूरी कहानी तो पता है आपको, क्या होना चाहिए इसमें? सबसे पहले तो यार सीमा जी के बारे में पता करना चाहिए, वो आए क्यों है यहाँ पे, इंडिया पे आए क्यों? मुझे लगता है वो पता नहीं आतंकवादी है क्या नहीं है, तो एक बार उनको रिसर्च होना चाहिए भाई। देख अब कोई भी होता है, पता नहीं उस बंदे से कैसे पड़ गई वो लड़की, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे यार, मतलब कपल का कोई तो मैच होना चाहिए, अनमैचेबल है वो लोग, मुझे लग नहीं रहा है, पता नहीं वो इतनी सी स्मार्ट सी लड़की है, पता नहीं पता नहीं गोचू से पड़ गई यार। को ATS को पहले इनकी जानकारी लेनी चाहिए, ये बंदी आई क्यों यहाँ पे, और इसको पहले फुर्सत निकालो यहाँ से, क्योंकि भाई हमारे निकालने क्यों चाहिए भाई, ऐसे तो कोई और आएगा फिर उसे भी भाई, एक बात बता मेरी बात सुनो, सुन भाई, क्या बोला तुमने, उसको निकालना चाहिए, वो अंदर कैसे आएगी, वो तो आतंकवादी है, वो है नहीं है भाई, कल है? के दिन को कोई अगर एक बात बताओ, आप पाकिस्तान में अंदर चले जाओगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में चले जाएंगे पूछो, वहाँ के अंदर जो पुलिस है बॉर्डर पर जाने देगी भाई, पहुंच जाओगे तुम पाकिस्तान में बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, मेरी बात सुनो, पहुंच जाओगे भाई, क्यों तुमने फांसी दी, उसकी बोलते भाई चला जाओ, पहुंच जाओगे, एक बात बताओ पहले, हम भी लाएंगे भगा के 10 बच्चों को, ठीक है? मिर्ज़ा और आकिब बहुत गुस्से में हैं भाई, गुस्से और भैया ये बताओ ना, आप सब पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं भाई? यार मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी वहीं पे लड़की पटाऊंगा 10 बच्चों वाली, ठीक है? फिर मैं तो बॉर्डर से प्रमोशन लूंगा, ये बड़ा सवाल है कि भाई कोई भी आपके देश में किसी रास्ते से आ जाता है, आ जाता है तारों के नीचे से घुस के, बजरंगी भाईजान में देखा था, रियल हो गया, सलमान खान हमारे, सलमान खान मुन्नी को वहाँ छोड़ गए थे, मुन्नी यहाँ पे भी 4 बच्चों को लेके आ गई। सही बोला भाई, सही बोला। तो इससे सरकार को निपटना होगा कि कोई आपके देश में सीधे ऐसे घुस जाता, उससे
हर व्यक्ति, मैं कई लोगों से लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग लगातार गुस्से में।